हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरबीएल स्कूल स्टैंडर्ड 6। टुडे वी विल रीड चैप्टर 9, द स्लो कुकिंग खिचड़ी। सो लेट्स रीड इट, लिसन केयरफुली। अकबर वाज वन ऑफ द मोस्ट एबल रूलर अमंगस्ट द मुगल्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स इन इंडियन हिस्ट्री। अकबर एक महान शासक थे मुगल शासकों के बीच में और एक महान सम्राट थे भारतीय इतिहास में। अकबर वाज ए वेरी वाइज एंड ओपन माइंडेड रूलर विद ए साउंड करेक्टर। अकबर एक बहुत ही बुद्धिमान और खुले विचारों वाले शासक थे और उनका चरित्र भी बहुत ही अच्छा था। ही वाज एन एबल मिनिस्ट्रेटर, वह एक कुशल प्रशासक थे, एज वेल एज ए कैपेबल सोल्जर, और एक योग्य सिपाही थे। ही पोजेस्ड ट्रेमेंडस करेज, उनके पास जबरदस्त साहस था। ऑफन रिस्किंग हिज लाइफ, वह अधिकांश अपने जीवन को खतरे में डालते रहते थे। एंड वाज आल्सो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। ही वाज नोन फॉर हिज फेयर सेंस ऑफ जस्टिस, वह अपने निष्पक्ष निर्णय की भावना के लिए जाने जाते थे। अकबर हैड ए वाइज एंड एबल कोर्टियर कार्ल्ड बीरबल, अकबर के पास एक बहुत ही बुद्धिमान और योग्य दरबारी था जिसे बीरबल कहा जाता था। एंड देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द इंटरेक्शंस बिटवीन अकबर एंड बीरबल, और अकबर और बीरबल के मध्य बातचीत की कई कहानियाँ हैं। Who would often provide solutions to the various problems the emperor was facing, जो हमेशा सम्राट को समस्याओं के समाधान के लिए solutions देते रहते थे। Born as Mahesdas, उनका जन्म महेशदास के रूप में हुआ। He later took the name बीरबल, उसके बाद उन्हें बीरबल का नाम दिया गया। After joining Akbar's court, अकबर का दरबार ज्वाइन करने के बाद। महेश वाज बॉर्न इन ए रिमोट विलेज क्लोज टू अकबर्स कैपिटल आगरा, महेश का जन्म एक सुदूर गांव में अकबर की राजधानी आगरा में हुआ। ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह बहुत ही समझदार लड़के थे, शार्प तेज थे, एंड क्विक विटेड, और तेज तर्रार थे। ही वाज नॉटी एंड ऑफन पुल्ड ट्रिक्स ऑन हिज फ्रेंड्स, वह बहुत ही शरारती थे और अधिकतर अपने दोस्तों पर, टीचर्स शिक्षकों पर, एंड एल्डर्स और अपने बड़ों के साथ मजाक करते रहते थे। ऑन द रेयर ओकेजन्स व्हेन ही वाज कॉट, और जब कभी बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में जब वह पकड़े जाते थे, ही गॉट अवे विद बिटी कमेंट्स एंड रिवार्ड्स, तब वह वहाँ से छुटकारा पा लेते थे या भाग जाते थे अपने बुद्धिमानी के तर्क और वितर्क से, लीविंग एवरीवन लाफिंग, और सभी को हंसता हुआ छोड़ जाते थे। बीरबल वाज इक्वल टू एवरी चैलेंज, बीरबल सभी चैलेंज के लिए समान रूप से तैयार रहते थे। एंड वाज नेवर फाउंड बांटिंग इन एनी क्राइसिस फेस्ड बाई अकबर, और वे ये कभी नहीं चाहते थे कि अकबर किसी भी समस्या का या किसी भी प्रॉब्लम का सामना करें। द एम्परर टर्न टू हिम नॉट ओनली फॉर कंपेनियनशिप, सम्राट उनकी तरफ मुड़ गए केवल उनकी सहभागिता के लिए नहीं, बट आल्सो फॉर हेल्प एंड गाइडेंस, बल्कि उनकी सहायता और निर्देशन के लिए। ही बिकेम वन ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर्स, वह उनके बहुत ही विश्वसनीय मंत्रियों में से एक हो गए। Apart from being a member of Akbar's inner council of 9 advisors, और इसके अतिरिक्त अकबर के 9 अंदरूनी सलाहकारों में से भी एक हो गए, known as the Navratans, जिन्हें 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है।